तो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई यार फिलहाल के लिए अपने ट्रेन कम्युनिटी में जिस गेम के अपडेट की सबसे ज़्यादा डिमांड हो रही है वो है अपना इंडियन ट्रेन क्रॉसिंग 3D। और भाई डिमांड हो भी क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर डेवलपर्स ने खुद कंफर्म किया था कि वो यहाँ पर अगस्त में ज़रूर से ज़रूर इस अपडेट को रिलीज़ कर देंगे, क्योंकि जो अपडेट है वो पूरे अगस्त में रिलीज़ नहीं हुआ और अपना जो सेप्टेम्बर है वो भी लगभग हाफ कम्प्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर पब्लिक का ये सवाल है कि भाई आपने तो कहा था कि हमें अगस्त में अपडेट देखने को मिल जाएगा, अपडेट कहाँ है? तो भाई यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपका यही डाउट क्लियर करने आया हूं। मैं आपको बताऊंगा कि अपडेट जो है वो डिले क्यों हुआ है, अब ये एक्सपेक्टेड कब है, अब आपका जो अपडेट है ये आपको कब देखने को मिल सकता है। तो वीडियो का बिल्कुल भी स्किप करके मत जाना। वीडियो अगर आप स्किप कर दोगे तो फिर आप कमेंट करने लग जाओगे कि भाई अपडेट कब आएगा। वीडियो को एंड तक वॉच करना, वीडियो को लाइक भी कर देना और बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई जब मैंने पहले कुछ वीडियोस बनाई थी अपने इंडियन ट्रेन क्रॉसिंग 3D गेम से रिलेटेड, तो वहाँ पर उस वीडियो के कमेंट्स में SB2 कैप्स की तरफ से ये कमेंट आया था कि हम इस अपडेट को जल्दी से जल्दी मतलब हर हालत में 15 अगस्त तक रिलीज़ कर देंगे, क्योंकि यार यहाँ पर अगस्त में एक भी अपडेट हमें देखने को नहीं मिला, ना कि कोई इन्फॉर्मेशन ही देखने को मिली। तो पब्लिक का यहाँ पर सवाल आना स्टार्ट हो गया कि भाई आपने तो कहा था कि अगस्त में अपडेट आ जाएगा, अभी तक अपडेट क्यों नहीं आया? और सेप्टेम्बर भी अपना लगभग आधा जा चुका है और अभी तक हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिली है। तो भाई मैं आपको सबसे पहले रीज़न बताऊं अपडेट डिले होने का, तो वो है भाई डेवलपर्स का बिजी वर्किंग शेड्यूल। क्योंकि यार डेवलपर्स का ये कहना है कि वो सिर्फ वीकेंड पे और फिर संडे को ही इस गेम के ऊपर काम करते हैं और उनके पास अदर और भी काम रहते हैं इस गेम के काम के अलावा, तो वो उन काम में बिजी होने की वजह से अभी गेम को फिलहाल मतलब वर्क आपका अभी भी चल रहा है लेकिन वो उतने तेज़ी से नहीं चल रहा है कि आपको अपडेट जल्दी से जल्दी देखने को मिल पाए। तो भाई मेन यही रीज़न बताया जा रहा है इस अपडेट के डिले होने का। अब यहाँ पर इसकी अगर मैं एक्सपेक्टेड रिलीजिंग डेट की मैं आपसे बात करूँ तो भाई अब यहाँ पर मेरे को भी मतलब ऐसा कुछ कंफर्मेशन अपने अंदर से नहीं आ रही, क्योंकि पहले मैं क्या करता था कि डेवलपर के कमेंट के हिसाब से मैं आपको एक्सपेक्टेड रिलीजिंग डेट बता देता था, लेकिन वहाँ पर जैसा कि उन्होंने बताया कि भाई हमारा जो शेड्यूल है वो अभी भी बहुत ज़्यादा बिजी है, हम अभी भी वर्क कर रहे हैं लेकिन जो हमारा गेम है वो अभी अपने धीरे धीरे वर्क कम्प्लीट हो रहा है। तो भाई मेरे हिसाब से तो आपको सेप्टेम्बर में भी कोई अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, आपको वेट करना पड़ सकता है अक्टूबर 2023 का। तो अब भाई मैं आपको ये अपनी एक्सपेक्टेशंस बता रहा हूँ, वैसे मेरे हिसाब से तो ये चीज़ मैं आपको सही ही बता रहा हूँ, क्योंकि अगर इस हिसाब से काम चल रहा है तो आपको सितंबर में जो अपडेट है वो देखने को नहीं मिलेगा, पूरे सितंबर भर आपको वेट करना पड़ेगा। अब अगर अपडेट आ जाता तो बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि सितंबर में अपडेट ना आए, अपडेट आ जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं भी आता है तो हमें अक्टूबर तक का वेट करना पड़ेगा। तो ये थी यहाँ पर ये एक छोटी सी वीडियो, मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक वीडियो के थ्रू जवाब देना ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि हर एक कमेंट का रिप्लाई देना यहाँ पर मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों की तरफ से ITC 3D के अपडेट को लेकर आ रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, अगर समझ में आई है तो यार इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि और लोगों तक जो कि इस गेम के फैन हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ, मैं ईशांत आपसे मिलता हूँ ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।